मैं हूँ सजा। हम पांचवी कक्षा के छात्रों ने आपके समक्ष आज के प्रार्थना समाज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भगवान के स्मृति के साथ इस दिन शुरू करें। प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए दया अरुण को निमंत्रित करती है। देश प्रेम की भावना को याद दिलाती है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा आपके सामने प्रस्तुत करता है रियान फिरोज। नमस्ते प्रतिज्ञा। भारत मेरा देश है, सभी भारतीयों मेरे भाई बहन हैं। मुझे अपने देश से प्रेम है, उसके संपन्न और विविध परंपरा पर गर्व है। उनके योग्य होने के लिए मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। माता पिता गुरु तथा अग्रज मेरा आदरणीय होंगे और उनसे मेरा व्यवहार सम्मान पूर्ण होगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि अपने देश और जनता के प्रति मेरी श्रद्धा अटल रहेगी। उनकी उन्नति और समृद्धि पर ही मेरा सुख निर्भर है। धन्यवाद। दिन का शुभारंभ अच्छे विचारों के साथ होना चाहिए। आज के विचार आपके सामने पेश करती है दया जयकृष्णन। नमस्कार। आज का विचार, जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही सबसे बड़ा अमीर है। धन्यवाद। 8 सितंबर 2019 इस दिन विश्व भर हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इन्हीं के आधारित छोटा सा भाषण फातिमा मेहता प्रस्तुत करने जा रही है और हमारा 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों और छात्राओं ने तैयार किए गए पोस्टर्स भी देखिए। नमस्कार, मैं हूँ फातिमा मिन्हा। आज मैं आपके सामने विश्व हृदय दिवस पर आधारित छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। हर साल 29 सितंबर को विश्व भर हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। यह दिन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का है कि कैसे हम आज के समय में हो रही अनेकों हृदय से संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं और अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं। पूरे विश्व में हृदय रोग की गंभीर बीमारियां फैली हुई है। हृदय रोग दुनिया का सबसे बड़ा हताया है। हर साल 70.3 मिलियन जीवन की दावा करते हैं। अपने जीवन को खतरे में न डालें, इसलिए हमेशा अपने दिल का ख्याल रखें। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आओ हम एक शब्द लें, स्वस्थ आहार लें, नियमित व्यायाम करें और तंबाकू को ना करें। इसलिए हमेशा दिल और स्वस्थ जीवन के लिए हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे। धन्यवाद। Thank you.
शिष्य मांगे गाहे तव जय गा।